व्हाट्स अप गाइस, एक और नई लिस्ट आ चुकी है ओरिजिनल वर्सेस रीमेक सॉन्ग्स की 2022 की। तो इनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है गाना, वो जरूर कमेंट करके बताना। और कौन सा गाना था जिसको आपको पता नहीं था कि ये रीमेक हुआ है। मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रही वीडियो, मेरे को मस्त लगती है ऐसे ओरिजिनल वर्सेस रीमेक। और लेट्स एंजॉय द वीडियो, देन वी विल टॉक अबाउट कि कौन सा हमें रीमेक पसंद नहीं आया। ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 एंड लेट्स गो। नशा तेरी अखां विचों आवे मैनूं, ये सारा रीमेक हुआ है ना, ये रीमेक हुआ और दोनों ही सिमिलर है। इसका रीमेक क्या हुआ है भाई? अच्छा मल्लिका आई है भी तो इसमें ही, मैंने कहा ये आई है इसमें गाने में। This is old is gold wala, सजना है मुझे सजना के लिए सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल को तू मेरे दीवाना लगता है आज फिर वो तुझको चाहूंगा हर दम किसी से कोई प्यार न करे किसी से कोई प्यार से कोई प्यार न करे किसी से कोई प्यार न करे गली बिचों लंघेगा जनाजा जदो मेरा मेरी गली उसे उठेगा जनाजा जब मेरा लोग सारे उस पर रिएक्ट किया था हमने। करो मिल के परिया करो यार सब दुआ करो मिल के परिया करो ना जाना रे वो आके फिर ना जाना रे। हाँ ये तो मुझे लग रहा है 2 या 3 बार ना जाना रे ना जाना रे चम चमा चम चम बहुत प्यारा है पुराना वाला भी बहुत प्यारा है। अच्छा जैस्मिन अली हाँ इसका अब सुनता हूँ तो दोनों चीज बड़ी लगेगी ये भी अच्छा है और इलेक्ट्रिक वर्जन जो नया आया ना अच्छा है।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ इसका अच्छा है, इसी मूवी का है जो इसी मूवी में ये अच्छा चला ये ना जो जो हीरो थी। हाँ ये तो हीरोपंती में भी है, फिर हीरोपंती टू में भी। पहले पापा के मूवी में था, फिर बेटे की मूवी में आया, फिर ये 2.0 भी आया। ये किसने करा है रिमेक? इसमें सारे गाने रिमेक है लगभग। एक्सप्रेशन कार्तिक के बहुत ही जख्म खाते हैं और मुस्कुराते नजरों से अल्लाह बचाए। ये भी जुबिन ने किया है, नजरों से अल्लाह बचाए उन वालों से अल्लाह। कोका ये पहला वर्जन ज्यादा अच्छा था, नया वाला थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि सही से नहीं बैठा, बाकी अपना अपना पॉइंट भी हो सकता है। और जैसे वो है चुरा लिया है तुम, वो वाला जो था वो मुझे पुराना, मतलब वो वाला जो ओरिजिनल। और लेकिन मनी के तो मेरे को तीनों लगभग सेम ही लगे। और जो अभी नोरा का जो अभी गाना आया है हाल ही में, उसका आया था ना वो वाला, कौन सा गाना था अभी जिसपे रिएक्ट भी किया है, आयुष्मान खुराना ने भी डांस किया है उस, वो भी दोनों सेम लगे मेरे को। बाकी ओल्ड इज गोल्ड वाली बात तो होती है, लेकिन रिमेक अच्छा बहुत सारे थे जो और अच्छी बात होती है। एक जिसमें उर्फी थी वो भी ठीक था, मतलब इतना लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं जितना ओल्ड वाला था, ये चीज तो है। बाकी अंजलि को काफी गानों में काम मिल रहा है, ये चीज देखा मैंने, वही वाली बात है, क्लिक कुछ भी कर जाता है, कहां कच्चा बादाम से कहां आज भाई साहब, आज करियर सेट हो चुका है आज। और वो लेकिन एक चीज तो है, स्टेबिन की आवाज ना कहीं ना कहीं मुझे आतिफ असलम जैसी लगती है, आवाज बहुत अच्छी है, आवाज अच्छी है। और गलियों का गलियां जो गाना था उसका, जब विलन रिटर्न्स में जो आया था, शुरू में लोगों को थोड़ी मिला, लेकिन मैं बताऊं टू बी फ्रैंक वो गाना और भी इंटरेस्टिंग है, नए वाले का और भी रॉक वर्जन है तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो। और भूलभुलैया का तो भाई साहब वो तो गाने अलग है, उसका म्यूजिक जो है ना, कंपोजिशन ही वो मस्त लगता है, वो ग्रूवी है, एंजॉयबल गाना है। और जो था रंग सारी क्या है वो रील्स पे सुना है मैंने, रिमिक्स मैंने पूरा वो रील पे सुना है, वो रिमिक्स हो गया। और वो जो जो मूवी में भी है ना वो गाना, वो चीज काफी, इस मूवी में काफी गाने रिमिक्स थे, रिमिक्स थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रिमिक्स भी हो तो भैया इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए, तो वो मजा मिलता है। जैसे वो तो फाल्गुनी पाठक वाला जो था जो नेहा कक्कड़ ने गाया, वो मुझे थोड़ा सा ना फंकी सा लगा, मतलब कि मेरे को जो स्वीट था ना, स्वीट की जगह वो ऐसा लगा कि वो एक डांसिंग काइंड ऑफ बना दिया वो, जो जब वो फाल्गुनी जी ने गाया था तो इंटरेस्टिंग था, वो प्यारा था, प्यारा था, स्वीट था, लेकिन अब ये वाला थोड़ा फंकी सा लगा मेरे को। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी शेयर कर सकते हो, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। और वीडियो एक्सेस करना भूलें, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।